समाजवादी छात्र सभा के नवमनोनीत जिलाध्यक्ष चौधरी मोहम्मद असलम खां उर्फ असलम चौधरी के स्वागत जुलूस में शनिवार को भीषण गर्मी के बावजूद जबरदस्त भीड़ उमड़ी। 31 जुलाई शनिवार को लगभग 2 बजे दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार रामपुर रोड पर टोल प्लाजा के पास ग्राम नियामतपुर इकरौटिया में असलम चौधरी के आवास से उनका स्वागत जुलूस प्रारंभ हुआ, जो दलपतपुर, रामपुर दुराहा, प्रेम वंडरलैंड, गुलाबबाड़ी, प्रभात मार्केट, संभल चौराहा, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, फव्वारा चौक, मुरादाबाद क्लब, पीली कोठी चौराहा और महिला थाना होते हुए कोठी नंबर 4 चक्कर की मिलक स्थित सपा कार्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुआ। रास्ते में भी जगह जगह छात्र सभा के नवमनोनीत जिलाध्यक्ष असलम चौधरी का सपा नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों द्वारा स्वागत किया गया, जिसकी वजह से ये स्वागत जुलूस 2 घंटे में टोल प्लाजा से चक्कर की मिलक तक पहुंच सका। लीजिए पेश है एक झलक। सपा कार्यालय पहुंचने के बाद जुलूस में शामिल कुंदरकी के विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए असलम चौधरी को सपा छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बनने पर मुबारकबाद पेश की और कहा, मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से भी और अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, इस्तकबाल करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और इसलिए भी करता हूं क्योंकि ये मेरी विधानसभा क्षेत्र है। मेरे लिए सबसे बड़े फख्र की और खुशी की बात यह है कि ये मेरी विधानसभा के हैं, नियामतपुर इकरौटिया गांव पड़ता है, वहाँ के ये होनहार नौजवान आज जिले की कमान माननीय अखिलेश जी ने इनको सौंपी है छात्र सभा की और मैं चाहता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और आगे बढ़ें। अभी तो छात्र सभा की कमान है और उसके बाद जो है वो जिले के और किसी प्रकोष्ठ की कमान और फिर जिले की कमान। मैं चाहता हूँ, मेरी दुआएँ दिल की गहराइयों से मैं दुआ भी देता हूँ और दिल की गहराइयों से मैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम मेरे क्षेत्र के एक नौजवान एक उभरते हुए क्या नाम है चेहरे एक उभरते हुए सितारे असलम चौधरी को पूरे ज़िले के जो है छात्र सभा की, क्योंकि चुनाव का समय करीब है और ऐसे मौके पर एक तेज तर्रार अध्यक्ष की ज़रूरत थी। तो उसके बाद जो है हमारी पार्टी के नेतृत्व में हमारी क्या नाम है प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से और उन्हीं की संस्तुति पर आज जो है ये दिन देखने को मिला है और मैं दिल की गहराइयों से असलम चौधरी का इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। नवमनोनीत जिलाध्यक्ष असलम चौधरी ने इस मौके पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में कहा, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की अनुमति पर और प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिव्य सिंह देव जी ने मुझ पर भरोसा जताकर मुझे ये जिम्मेदारी से नवाजा है और मैं उन्हें पूरी उनकी इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से खरा उतरूंगा और बहुत जल्द से जल्द अपनी कमेटी में अपनी तरह मजबूत और मेहनती लोगों को लेकर आऊँगा जो हर बूथ पर खड़े होकर एक समाजवादी के सिपाही के रूप में समाजवादी को मजबूत करें। इतनी भीषण गर्मी में माननीय विधायक जी और आपके इतने ढेर सारे साथियों ने आपके जुलूस में शिरकत की, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? देखिए ये एक संदेश कुछ इस तरह से भी जाता है, ये जो हजारों की तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है
ये संदेश इस तरह भी जाता है कि भाजपा के दिन जो है पूरे हो चुके हैं, लग चुके हैं और समाजवादी के दिन आने वाले हैं। बहुत जल्द समाजवादी की सरकार 2022 में हम पूर्ण प्रचंड बहुमत से बनाएंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपके कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नजर नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए माननीय जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जी को जो है सूचना दे दी गई थी, लेकिन वो किसी कारणवश जो है लखनऊ मीटिंग में है, लखनऊ किसी कारणवश चले गए किसी कार्यवश, तो वो इस कार्यक्रम में आ नहीं पाए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपने सभी साथियों से और ख़ास तौर से छात्र साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं तो अपने सभी साथियों से एक ही अपील करूँगा कि हमारी लड़ाई किसी साधारण इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई गिरगिट से भी बढ़कर बहरूपिया पार्टी से है जो किसी भी रूप में किसी भी तरह से हमें ठग सकती है, जिसने हमें महामारी के रूप में भी ठगा, जिसने हमें नोटबंदी के रूप में ठगा, जिसने हमें जीएसटी के रूप में ठगा, इसकी ठगी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये तो अब राम मंदिर के नाम पर भी, चंदे के नाम पर भी ठगा इसने, इसके पास में किसी भी चीज़ का ब्यौरा नहीं है। ना तो इन्होंने महामारी, दुनिया के अंदर जब महामारी आई, सारा विश्व महामारी से जूझ रहा था, ये महामारी को उत्सव के रूप में मना रहे थे। नहीं, समाजवादी साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने समाजवादी साथियों से यही अपील करूंगा कि अपने हर बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट डलवाएं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि हम जितने ज़्यादा वोट डलवाएंगे उतने ही हम प्रचंड बहुमत से सरकार लेकर आएं। इस अवसर पर समाजवादी अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष नाजिम हुसैन एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष सुनीता सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ सपा नेता एवं 6 मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी के प्रतिनिधि, पूर्व पार्षद पद प्रत्याशी सैयद सरवर मिर्जा, समाजवादी युवजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष जुबैर असद, युवा सपा नेता कमाल वारसी, हाफिज नसीम कुरैशी, कार्यालय प्रभारी महेंद्र सिंह, सपा नेता फहीम मंसूरी, युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष अक्षय भट्टनागर, मैथ्यूज आर मैसी, मोहम्मद जावेद, शारिक पाशा, मिक्की बाबा, हर्षित सिंह, निखिल सिंह, अंकित रोबिंसन, यश चौधरी, वाजिद मलिक, हाजी अताउर रहमान, उम्मेद चौधरी, सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष बेगम अफरोज जहां वारसी, मीनू रत्नाकर, नाग भारती, रत्ना सैनी, नूर मोहम्मद जमाली, मोहम्मद बिलाल, रिजवान चौधरी, अमान पठान, अरशद खान, सलमान रजवी, शाहरुख चौधरी आदि सहित बड़ी संख्या में सपा नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।